वादे के बड़े पक्के हैं हम। आपकी तिजोरी की चाबी हमने आपकी तस्वीर पर टांग दी है। कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया ना आपको, पर आपने इस पागल झल्ली को जितना बर्दाश्त किया उसके लिए शुक्रिया। हाँ पिया। आर्जन बधाई हो, हमारे रास्ते का कांटा तो अपने आप ही साफ हो गया। थैंक गॉड कि आरजू आतंकवादी निकली, अब उसे ना कोई नहीं बचा पाएगा। पर अच्छा है ना, जाते जाते हमें खुशखबरी दे गई। अब पैसे भी हमारे हाथ में और रास्ता भी साफ। अब तुम ना सारे के सारे पैसे अपने कब्जे में कर लो, वैसे भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। बस पिया, जब देखो पैसे पैसे लगा रखे तुमने, ये क्या खुशी के डोर पीटने के मौके? तुम्हें कुछ नहीं पता, यू कैट मी, कुछ नहीं पता तुम्हें। वकील साहब, हम जिंदगी भर आपके शुक्रगुजार रहेंगे, बस ये एक एहसान कर दीजिए हम पर। देखिए आरजू एक पाकिस्तानी नागरिक है और उस पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने का आरोप है जो कि बहुत ही संगीन है, और माफ कीजिए शायद आप मेरी फीस सुनकर खुद ही ना कर दें, इसलिए मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता आपसे अभी। हम आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं वकील साहब, आपकी जो भी फीस है आपको मिल जाएगी, जो कुछ भी हमारे पास है हम सब आपको दे देंगे, बस जैसे भी हो हमारी पोती पर जो इल्जाम का दाग लगा है उसे किसी तरह हटा दीजिए। ये 10 लाख रुपए आरजू की अमानत है और आज उसे इस पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए ये पैसे उसे ही मिलने चाहिए। ये क्या पागलपन करने जा रहे हो तुम? बोलो मत कि तुमने मेरी मॉम से क्या वादा किया है। ये पैसे तुम्हें मेरी फीस के लिए भरने हैं। पिया समझने की कोशिश करो, ये पैसे आरजू के, देखो उसको, आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तुम्हारा एडमिशन इस साल तो क्या अगले साल भी हो जाएगा, पर अगर आरजू को ये पैसे नहीं मिले तो बहुत बुरा होगा। सब कुछ तो तुम्हारे सामने है पिया, फिर भी तुम इतनी स्वार्थी कैसे? हाँ, हूँ मैं स्वार्थी, लेकिन हमारे प्यार के लिए। अरे इतने क्यों परेशान हो रही हो आरजू के लिए? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आरजू से? रिश्ता क्या है ये तो नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि इस वक्त मैं पूरे दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो ठीक हो जाए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम तो हो ही बेवकूफ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। इतनी मेहनत से हमने क्या कुछ नहीं किया ये पैसे कमाने के, और आज जब ये पैसे आए हैं तो मैं इतनी आसानी से इन्हें गंवाने नहीं वाली। तुम्हें जो करना है ना तुम करो, ये तो पिया डोंट। क्या कर रही हो? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। तो ये आरजू के पैसे, आरजू लगा रखे तुमने। देखो ये पैसे आरजू के, भैया तुम क्या? प्रिया इतने सारे पैसे क्या कर रहे तुम लोग? छोटू जवाब दो भैया। वो भैया
मुझे लगा कि शायद इनकी जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है, तो मैं ये पैसे लेके यहाँ आ गई। नहीं भाई साहब, झूठ बोल रही है ये। भाई साहब ये तो क्या, मैं भी आपसे और पूरे परिवार से झूठ बोल रहा हूँ। विश्वास तोड़ा है मैंने आपका, पर और नहीं भाई साहब, दबा जा रहा हूँ मैं इस झूठ के बोझ से। भाई साहब सच बात तो ये है कि मैंने आरजू से 10 लाख रुपए के लिए शादी की थी। शादी तो मैं प्रिया से करना चाहता था, मगर इसकी माँ ने शर्त रखी थी कि मुझे इसके कॉलेज की फीस भरनी, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला और सारे परिवार से झूठ बोला। मैं तुझसे बात कर रहा हूं छोटू, ये क्या किया तूने और क्यों किया ऐसा, है तेरे पास जवाब? इसका मतलब वो ए का मतलब आर्यन था और पी का मतलब पिया, मतलब वो जो कारट था दिल वाला वो इंदु। वो जानती थी इस बारे में? अच्छा, इसीलिए जब मैं बाबा साह का भांडा फोड़ने की बात कर रही थी तो भापू ने चेन देके हमारा ही मुंह बंद करवा दिया था। भाई साहब चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो बोलिए। गलती की है मैंने, धोखा दिया है मैंने आपको, भरोसा तोड़ा है मैंने आपका। आप छोटा भाई मानते ना मुझे, तो सजा दीजिए। आप मारिए डांटिए कुछ तो कहिए भाई साहब, मगर देखिए आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे। भाई साहब सजा दीजिए मुझे आप प्लीज। सजा दीजिए मुझे भाई साहब। कुछ कहने को नहीं रहना आपके पास, ऐसी सजा के लायक हूं मैं, छूटा हूं धोखेबाज हूं, कुछ तो बोल दीजिए। लो जिठानी जी भी आ गई। जिठानी जी आपको पता इस छोटू ने क्या किया है? अरे ये आरजू से प्यार ना करता था, ये वो पिया से प्यार करता था। और शादी भी आरजू से क्यों करी? पैसों के खातिर। क्योंकि वो पिया की शरत थी। देख रही हो आप इस छोटे ने की कर दिया। परेशान कहीं का तूने किया है छोटू, बहुत बड़ा अपराध। कितना प्यार करते थे सूरज जी तुझसे, वेद और तुझ में कभी फर्क नहीं किया उन्होंने। तूने क्या किया? कितने गर्व से कहते थे सूरज जी कि देखना संध्या, छोटू जिस दिन किसी का हाथ पकड़ेगा ना तो जिंदगी भर निभाएगा। ये करके तुमने सिर्फ आरजू को धोखा नहीं दिया, हमसे भी अपना हाथ छोड़वा लिया। सिर्फ हमारा भरोसा नहीं तोड़ा, इस पवित्र मंदिर को गिरा दिया है। सजा तो तुम्हें मिलेगी छोटू। ये क्या कर रही हैं आप?
छोटू ने विश्वासघात किया तो आपने क्या किया? विश्वास के तराजू में अगर तोलेंगे ना भाभी जान आपको और छोटू को, तो आप शायद छोटू से भी हल्की निकलेंगी। कितने अरमानों से आए थे हम इस घर में, इस अनाथ को जैसे एक घर मिल गया हो। कुछ नहीं आता था हमें भाभी जान, बिल्कुल छल्ली थे हम, लेकिन हमने हर मुमकिन कोशिश की इस परिवार के रंग में रंगने की, आपका भरोसा जीतने की। भाभी जान आपको आपको हम पे तो कभी यकीन आया ही नहीं। हमारी कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रही भाभी जान, लेकिन आपकी नफरत तो कभी कमी नहीं हुई भाभी जान। आतंकवादी होने का डर और जिंदगी और मौत के बीच झूलने की सजा आपकी नफरत में तो पूरा घर का देश शामिल हो गया भाभी जान, लेकिन हमारे सच्चे प्यार में तो वो भी शामिल नहीं हुआ भाभी जान, जिसके लिए हम सरहद से यहां तक आ गए। छोटू पर उंगली उठाने से पहले जरा अपनी बुरा याद कीजिए, तो छोटू से भी बड़ी गुनहगार हैं। छोटू ने जो किया उसके पीछे उसकी एक नियत तो थी, उसने अपना प्यार प्रिया को पाने के लिए ये सब किया, और आपने जो किया उसके पीछे क्या नियत थी भाभी जान आपकी? नफरत, वो भी हमारे लिए। रुक क्यों गई भाभी साहब? मारिए ना, मारिए भाभी साहब। एक भाभी का अधिकार जताइए, मारिए मुझे प्लीज, इसी के लायक हूं मैं।
धन जी को क्या हो गया? ऐसा रूप तो कभी ना देखा इनका। और ये सब छोटू तारी वजह से हो रहा है, तू देख रहा है ना, हम सब परिवार वालों को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। और वैसे भी तो पराया है पराया, तुझसे क्या उम्मीद करेंगे हम। आज से छोटू की अच्छी और बुरे की जिम्मेदारी मारी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।